प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। आज प्रभु ने इस तरह से एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले हफ्ते बहुत अधिक खांसी जुकाम वगैरह की तकलीफ रही, जिस कारण मैं आ नहीं पाया। आज भी मेरी आवाज़ बदली हुई है और उसके अलावा गला बंद है, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सको। अपन लोग पवित्र बाइबल के पहला यूहन्ना का अध्ययन कर रहे थे। आज पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय खोल लीजिए। पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय के सातवें पद में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। पिछले हफ्ते या पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, तब मैंने ये बात याद दिलाई थी, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। इस तरह से प्रभु के वचन में क्यों कहा गया है? उसका कारण यह है कि आदिकाल में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, तब से यह आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और इसीलिए यहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता, बल्कि वही पुरानी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने स्वयं के लिए जिन बातों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली वैसा इंतजाम उन लोगों के लिए भी करेंगे। आठवें पद में हम देखते हैं, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर दो आज्ञाएं हो गई, एक जो प्रभु के वचन में हमें आदि से मिली है, और आदि से मिली हुई आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। नई आज्ञा क्या है? आठवां पद, मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम में से हर व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु के वचन को समझकर, प्रभु के वचन को अपने अंदर अपने दिल में ग्रहण करके, जब हम उसको मानने लगते हैं, तब अंधकार मिट जाता है और सत्य की ज्योति चमकने लगती है। हम सब ने टॉर्च देखा है, टॉर्च ऑन करते हैं तो उसमें से रोशनी निकलती है। इस तरह का कोई टॉर्च बनाया जा सकता है क्या, जिसमें रोशनी के बदले अंधकार निकले? नहीं। क्यों? इसलिए कि अंधकार रोशनी के अभाव के कारण होता है।
जब रोशनी आ जाती है अंधकार मिट जाता है। यही है जो प्रभु के वचन में लिखा है, सत्य की ज्योति चमकने लगी है अंधकार मिटता जाता है। मतलब मैं और आप आत्मिक सत्य क्या है इसको पहचान कर जब उस आत्मिक सत्य पर चलने लगते हैं, तब ना केवल हम आत्मिक सत्य पर चलते हैं बल्कि आत्मिक अंधकार की जो बातें हैं उनसे दूर भागते हैं। आत्मिक अंधकार की बातें कौन सी हैं? हमारे मन के अंदर से जो तमाम तरह के पाप निकलते हैं, बुरी चिंताएं, अशुद्ध चिंताएं, क्रोध, लोभ और इस तरह की ईर्ष्या, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो है अंधकार। लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे दिल में आता है और हम सत्य पर चलने लगते हैं तो ये भावनाएं एक एक करके मिटने लगती हैं। हमारे अंदर से लोभ मिटने लगता है, ईर्ष्या मिटने लगती है, अशुद्धि मिटने लगती है। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने इस बात को समझ लिया है कि मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने आप पाप से क्षमा नहीं पा सकता, मुझे प्रभु के क्षमा की ज़रूरत है। क्षमा के कारण जब प्रभु मुझे पापों की सजा से मुक्त कर देते हैं उसके बाद भी मुझे प्रभु की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि जब हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु की सूली के पास जाकर प्रभु से पापों की क्षमा मांगते हैं, तो जैसे ही हम क्षमा मांगते हैं वैसे ही पापों की सजा से हमको मुक्ति मिल जाती है। पाप की उपस्थिति से मुक्ति नहीं मिलती है, दोनों में बहुत फर्क है। पाप की सजा है मृत्यु, शाश्वत मृत्यु। लेकिन जिस क्षण हम प्रभु की सूली के पास जाकर प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं उस क्षण प्रभु हमको पापों की सजा से मुक्ति दे दे। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक पाप की उपस्थिति हमारे चारों तरफ रहती है। उस पाप की उपस्थिति से कैसे मुक्ति पाएं? उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर पाप का जो अंधकार है वो मिट जाए। और पाप का अंधकार कैसे मिटेगा? जब प्रभु का वचन हमारे अंदर प्रवेश करेगा। अंधेरे से अंधेरे कमरे में एक जरा सा दिया या जरा सी मोमबत्ती जला दीजिए, कमरे में अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह से हमारे चारों ओर जब अंधकार, पाप का अंधकार फैला हुआ है और जब हम पाप के अंधकार भरे हुए संसार में जीवन बिताते हैं तो प्रभु के वचन की ज्योति उस अंधकार को दूर करती है। लेकिन अंधकार जितना घना है ज्योति भी उतनी अधिक होनी चाहिए जिससे कि कोने कोने में प्रकाश दिखाई दे। भजन 119 में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। भजन 119, आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। ये भजन आज से 3000 साल पहले लिखा गया था। उस समय टॉर्च नहीं होता था, उस समय बिजली की बत्ती नहीं होती थी, उस समय रोशनी के लिए आपको दिया जलाना पड़ता था, मोमबत्ती भी शायद नहीं रही होगी। तो जब प्रभु का वचन ये कहता है आपका वचन मेरे पैर के लिए उजियाला है या मेरे पैर के लिए दीपक है, तो आधुनिक भाषा में कहा जाए तो हे प्रभु, जब मैं अंधेरे से भरे हुए रास्ते पर चलता हूँ तब आपका वचन एक शक्तिशाली टॉर्च के समान मुझे प्रकाश देता है
जिससे रास्ते में अंधेरे में जितने खतरे हैं, अंधेरे में जो चीज़ें मुझे फंसाने के लिए तैयार है जैसे गड्ढे, मैं उन सब से बच निकलता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग साइकिल चलाते हैं उन सबको इस बात का अनुभव कम से कम एक बार हुआ होगा कि जब अपन सड़क पर साइकिल चलाते हुए जाते हैं तो सड़क पर जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी भरा रहता है। अपन लोग ज़्यादातर गड्ढों में से साइकिल निकाल ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई गड्ढा इतना गहरा होता है कि हमको बिल्कुल अनुमान नहीं होता। ऐसे गड्ढे में जब साइकिल का पहिया फंस जाता है हमको साइकिल से उतरना पड़ता है। इसी तरह अंधकार की बात है, जब हम अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब अंधकार जितना अधिक है हमको उतने ही अधिक प्रकाश की जरूरत पड़ती है। क्यों एक घर में एक से अधिक दिए जलाते हैं? मैं गांवों की बात कर रहा हूँ। मेरा बचपन एक गांव में बीता था, वहाँ पर पहली बार बिजली तबाही जब मैं 5 साल का था। मुझे अभी भी याद है शाम को ठीक 5 बजे वो लोग लाइट ऑन करते थे तो उस सारे गांव के लोग अपने अपने दरवाजे पर आके खड़े हो जाते थे ये देखने के लिए कि बिजली कैसे ऑन होती है। और उस घर में एक लड़का था जो बड़ा इतराते हुए स्विच के पास जाकर उसको ऐसे ऑन करता था जैसे कि चंद्रमा पर रॉकेट भेजने की तैयारी हो रही है, और गांव में हम सब लोग उसको बहुत ताज्जुब के साथ देखते थे। मेरा चूंकि ये अनुभव है इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम लोग ज्योति के इतने आदि हो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि आज से 125 साल पहले बिजली के लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। बिजली के लाइट का आविष्कार मुश्किल से 125 साल पहले हुआ है, और ये जो लाइट लगे हुए हैं जिनको अपन सॉलिड स्टेट लाइट बोलते हैं, इनके आविष्कार को तो अभी मुश्किल से 10 साल हुए हैं, 10 साल से भी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आज से 3000 साल पहले जिस समय दिया जलाने का कायदा था, हर कमरे में एक न एक कम से कम एक दिया जलाना पड़ता था। क्यों? इसलिए कि एक दिया सारे कमरे में प्रकाश तो देता है लेकिन इतना प्रकाश नहीं दे पाता कि सब कमरों में भर जाए। उसी तरह से 7 तो दीवारों पे ही लाइट लगे हुए हैं, उसके अलावा यहाँ भी लगे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि कमरे को पूरी तरह से प्रकाश देने के लिए इतने सारे लाइट्स की ज़रूरत है। उसी तरह से सत्य की ज्योति चमकने लगी है और अंधकार मिटता जाता है जो प्रभु का वचन कहता है। तो ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक घर में प्रकाश के लिए हर घर में हर कमरे में एक दिए की ज़रूरत है, हर घर में एक लट्टू की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे जीवन में प्रकाश देने के लिए एक बार प्रभु का वचन पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है। जब प्रभु का वचन कहता है कि आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक है, तो वहाँ हम ये मानकर चलते हैं कि उस दीपक की रोशनी आप प्रतिदिन प्राप्त करेंगे, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते चले जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, वैसे वैसे वो रोशनी आप और अधिक ग्रहण करेंगे जिससे कि आपके दिल का जो अंधकार है वो मिट जाए। तो प्रिय भाइयों, आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आज मेरे आपके जीवन में 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, यदि हम कभी भी प्रभु के पास जाकर मैंने या आपने किसी भी व्यक्ति ने पापों की सजा से मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की है तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सूली के पास जाएं, प्रभु से याचना करें कि हे प्रभु सूली पर मुझे जो सजा मिलनी थी
मेरे पापों की सजा तूने उठा ली है। हे प्रभु, इस सूली पर आपने मेरे पापों की सजा उठा ली है, और चूंकि मेरे पापों की सजा आपने दे दी है, चुका दिया है, इसलिए मुझे पापों की सजा से मुक्ति दीजिए। ये वो पहली बात है जो हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनमें से कई लोगों ने इस तरह से प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करके अपने पापों की सजा से मुक्ति पा ली है। लेकिन पापों की सजा से मुक्ति पाने का मतलब ये नहीं है कि पापों की उपस्थिति से मुक्ति पा लिया है। जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक पाप की उपस्थिति हमारे चारों ओर और हमारे साथ रहेगी, और इसलिए उस पाप की उपस्थिति का इंतजाम करना जरूरी है। वो है दूसरी बात। पापों की उपस्थिति का इंतजाम क्या है? प्रतिदिन प्रभु के वचन की रोशनी हमारे दिलों में, हमारे मनों में प्रकाश डाले। पाप की परमेश्वर के वचन की रोशनी हमारे दिल और दिमाग में प्रकाश डाले। परमेश्वर के वचन की रोशनी हमारे दिल और दिमाग में प्रकाश कैसे डालेगी? जब हम नियमित रूप से प्रभु के वचन का पाठन पठन करेंगे, और जब हम इस तरह से पाठन पठन करेंगे, तब मेरे आपके दिल में बदलाव आने लगेगा। हम में से सब लोग बदलाव क्या है ये जानते हैं। आटे को बेल कर कच्ची रोटी जब आप तवे पर डाल देते हैं और उसको उलट पलट कर तवे पर डालते रहते हैं, तब रोटी में जो बदलाव है हम सब ने देखा है। हम कच्ची रोटी और पकी रोटी में जो फर्क है वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये फर्क कैसे आया? बदलाव के द्वारा। उसी तरह से जब हम प्रतिदिन प्रभु के वचन का पठन पाठन करेंगे, तब हमारा मन बदलेगा, और जैसे जैसे हमारा मन बदलेगा, वैसे वैसे हम अंधकार से रोशनी की ओर चलना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे हम रोशनी के और पास आते जाएंगे, वैसे वैसे रोशनी से हमारा स्नेह बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रोशनी से हमारा स्नेह, हमारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा जीवन जो है उसमें पाप के जो कर्म हैं वो दूर होते जाएंगे। मैंने ये बात आपको बताई है कि हम तीन तरह से पाप करते हैं, मनसा, वाच्या, कर्मणा। जैसे जैसे रोशनी हमारे मनों में और अधिक प्रवेश करेगी, वैसे वैसे हम प्रभु के और निकट होते जाएंगे, वैसे ही वैसे अंधकार मिटकर हमारे दिलों में प्रकाश अधिक आएगा, और जैसे जैसे प्रकाश अधिक आ जाएगा, वैसे वैसे अंधकार से हम और अधिक घृणा करेंगे। आप इस बात को शायद जानते होंगे कि कई घरों में रात को एक नाइट लैंप ऑन करके रखते हैं। रखते हैं या नहीं रखते? आजकल बिजली सब जगह हो गई है, इसके बावजूद कई घरों में रात को एक जरा सा नाइट लैंप ऑन करते हैं। क्यों? एक रात को कई लोग उठकर बाथरूम वगैरह जाते हैं, वे टकरा ना जाए। नंबर दो, आज जब सब जगह रोशनी इतनी अधिक है, इसलिए हमारे कई बच्चे अंधकार से डरते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे अंधकार से डरते हैं। मेरे लिए इस हफ्ते संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, चार दिन मुझे संदेश देना है, और इनमें से तीन संदेश कम से कम 45 मिनट के हैं। एक संदेश 30 मिनट का है, लेकिन कम से कम 400-500 लोगों के सामने देना है। मेरे लिए प्रार्थना करें कि जब मैं ये संदेश देता हूँ,
तो मेरा गला सूखना बंद हो जाए और मैं सही रीति से बिना रोक टोक के संदेश दे सकूं। सभी लोग प्रभु के सामने घुटने टेक कर मेरे लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें। अगले संडे मैं उसका रिजल्ट क्या है ये प्रभु ने मदद की तो बता दूंगा। तो कुछ बच्चे तो अब अंधकार से डरने लगे हैं। इसी तरह से जब हम ज्योति में बहुत अधिक समय बिताने लगेंगे तो अंधकार के प्रति एक घृणा हमारे अंदर पैदा होने लगती है। अंधकार से हम दूर भागना चाहेंगे। अंधकार मिटता जाता है का मतलब है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु का प्रकाश हमको वैसे वैसे और अधिक रोशनी देगा, हमारी आँखें खोलेगा, हमारे अंदर पवित्रता के प्रति जो स्नेह है उस स्नेह को बढ़ाएगा। अशुद्ध बातों के विरुद्ध जो घृणा है उस घृणा को बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अंधकार मिटता जाता है। आज आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप ये ईमानदारी से कह सकते हैं क्या कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस दिन की तुलना में आज आप प्रभु के और निकट पहुंच चुके हैं, कह सकते हैं क्या? आज आपके जीवन में पाप के प्रति घृणा और अधिक है, आपके जीवन में जो लापरवाही है वो कम हो गई है, आपके जीवन में दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या है वो कम हो गई है, आप कह सकते हैं क्या? यदि नहीं कह सकते तो सवाल यह है कि फिर आपके दिल में किस तरह का प्रकाश आ रहा है, किस तरह की ज्योति आ रही है? आप प्रभु की निकटता में जा रहे हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं? जरा सोचें, अपने आप को जरा जांचें। आगे हम देखते हैं नवे पद में, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में है। इसका क्या मतलब? अगला पद पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है, नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। मैंने रोशनी और अंधकार के बारे में अभी तक जो कुछ बताया था उसको जांचने का एक तरीका प्रभु का वचन देता है, और जांचने का तरीका यह है कि आप अपने भाई से वहाँ सब बिजली के बहुत सारे तार हैं, वो खतरे में फंस जाएगा। यदि हमारे बीच जीवन में बदलाव आया है तो वो बदलाव दिखना चाहिए। उसके लिए बहुत बढ़िया टेस्ट प्रभु के वचन में दिया है, और टेस्ट यह है जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में रहता है। मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे आपके जीवन में एक सबसे कठिन काम है भाई से प्रेम करना। क्यों? इस दुनिया में लोगों के बीच में तमाम तरह की प्रतियोगिताएं और तमाम तरह के रंजिश, थैंक्स, उबलता हुआ पानी, थैंक यू बेंजामिन फॉर बीइंग सो थॉटफुल एंड हूएवर प्रिपेयर्ड इट फॉर मी। जब हमारे जीवन में रोशनी आती है तब वो रोशनी
भाइयों के प्रति प्रेम के रूप में प्रदर्शित होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि नाते रिश्तेदारों की तुलना में हमारे अड़ोसी पड़ोसी बेहतर है। सुना है या नहीं सुना है? मैंने बहुत सुना है, नाते रिश्तेदारों की तुलना में मेरे अड़ोसी पड़ोसी बेहतर है। क्यों? इसलिए कि नाते रिश्तेदार मुझे भी जानते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। उनको मालूम है कि मेरे जीवन में क्या नग्न सत्य है और मुझे मालूम है कि उनके जीवन में क्या नग्न सत्य है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। नाते रिश्ता, जबकि अड़ोसी पड़ोसियों के जीवन में क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम, इसलिए उनसे प्रेम करना आसान है। लेकिन प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों की अच्छाई भी जानते हैं बुराई भी जानते हैं, यदि ऐसे लोगों से हम प्रेम कर सकते हैं तो हमारा प्रेम सत्य है। और जहाँ पर इस तरह का प्रेम है वहाँ परमेश्वर की ज्योति है। आज शाम को मैं चाहता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति अपने आप को जरा जांच कर देखें कि जिन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जिनके बारे में मुझे मालूम है कि नंबर वन कपटी हैं, नंबर वन लुच्चे लफंगे हैं, नंबर वन फरीसी हैं, और जो मुझसे किसी तरह का प्रेम नहीं करते, उन लोगों के प्रति हमारी भावना क्या है? जिस तरह से वे हमसे बैर करते हैं वैसे ही हम उनसे बैर करते हैं क्या? जिस तरह से हमसे वे बैर करते हैं उसी तरह से हम उनसे बैर करते हैं, तो उसका मतलब है कि परमेश्वर की ज्योति हमारे दिलों में अभी नहीं आई है। परमेश्वर की ज्योति यदि दिलों में आ गई है तो जो हमसे बैर करता है उससे भी हम प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित शुभ संदेश में ये बात कहा था कि अपने बैरियों से प्रेम करो। प्रेमियों से प्रेम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आपका विरोध करते हैं ऐसे लोगों से प्रेम सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिल में प्रभु की रोशनी हो। तो आज ये दो बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति अपने बारे में सोचे। पहली बात, प्रभु ने आसमान से मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जो जन्म लिया, मेरे और आपके पापों की सजा के लिए जन्म लिया, उस प्रभु के पास जाकर हमने पापों से क्षमा मुक्ति पा ली है क्या? नंबर दो, उस पापों से क्षमा या मुक्ति को पाने के बाद मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरे मन में जो रोशनी है, मेरे भाइयों के प्रति जो स्नेह है, बहनों के प्रति स्नेह है, वो बढ़ा है या घटा है? यदि वो घटा है तो उसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है। या तो हमने प्रभु से पापों की क्षमा नहीं पाई है, या पापों से क्षमा पाने के बाद प्रभु के वचन को अपने दिल में प्रवेश करने नहीं दिया है। इसमें से यदि आप पहली कैटेगरी में हो तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ आज प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों की सजा से मुक्ति पा लीजिए। नंबर दो, यदि मुक्ति पा ली है तो आज प्रभु से याचना कीजिए कि आपके मन में भाई के विरुद्ध जो भी घृणा है, जो भी समस्या है, आप उसके लिए क्षमा मांगकर अपने भाई से प्रेम करना आरंभ करें। आज प्रभु ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। भाइयों से प्रेम करने वाले लोग हैं, पता नहीं किसने मुझे खांसते हुए देखा, पानी गर्म किया, बेंजामिन के हाथ में दिया, बेंजामिन ने जोशुआ के हाथ में दिया, पानी यहाँ पहुँच गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो यहाँ कोई तो भी व्यक्ति है जिसने भाई की समस्या को देखा, समझा और उसके लिए हल निकाला।
ये प्रैक्टिकल उदाहरण मैं दे रहा हूँ, भाई से प्रेम का क्या मतलब है, बहन से प्रेम करने का क्या मतलब है। प्रभु हम में से हर एक की मदद करे कि इस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव का अनुभव कर सकें। प्रभु ने ये जो समय दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।